वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स एंड डियर कैंडिडेट्स। जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप लोगों की चल रही है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जॉब के लिए आप जा रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, जो उनको जॉब दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ऐसा क्वेश्चन जो हमेशा से पूछा जाता है, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो वहाँ पर आपसे इस तरह के क्वेश्चन किए जाएंगे। क्वेश्चंस बहुत छोटे क्वेश्चंस होते हैं, छोटे जवाब होते हैं और उनका आंसर भी 100% एक्यूरेट होना चाहिए। इंटरव्यूअर ये चाहता है कि आप किस तरह से आपने तैयारी किया है, किस तरह से आपने पढ़ाई किया है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि जस्ट लाइक यू आर ए फ्रेशर कैंडिडेट, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, पढ़ाई करके आ रहे हो, पॉलिटेक्निक पास किया है, बीटेक पास किया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चंस इन हिंदी में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन से हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। दो एलिमेंट से अधिक गर्मी कैसे प्राप्त की जा सकती है? यही क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि दो एलिमेंट से मैक्सिमम एनर्जी कैसे ली जा सकती है। आपका जवाब होगा कि यदि दोनों एलिमेंट को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, पैरेलल में जोड़ दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, तो उसे हम मैक्सिमम एनर्जी या गर्मी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? आप सीधा ये भी बोल सकते हैं, यदि दोनों प्लेटों को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो अत्यधिक गर्मी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप से क्या समझते हैं? वह पंप जो निम्न स्तर से उच्च स्तर तक पानी उठाने का कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है उसे सेंट्रीफ्यूगल पंप कहा जाता है या उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। डायनेमो क्या है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी सिविल इंजीनियर्स या जूनियर इंजीनियर्स। इफ यू आर गोइंग टू जॉब इंटरव्यू सो कीप इन माइंड, डायनेमो क्या है? डायनेमो एक मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। क्या है डायनेमो? डायनेमो इट इज ए टाइप्स ऑफ मशीन। क्या है? एक तरह की मशीन है जो कन्वर्ट करती है आंतरिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में या विद्युत ऊर्जा में, उसे कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किलोवाट बड़ा है या एचपी? अक्सर सुनने में आता है हार्स पावर और किलोवाट। तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है, अक्सर पूछा भी जाता है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे चाहता है कई तरह से क्वेश्चन पूछना और घुमा के क्वेश्चन पूछना, आप उसका सही जवाब दे पाते हो या नहीं दे पाते हो, वो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड भी चेक करता है। तो किलोवाट बड़ा है या एचपी? तो जाहिर सी बात है क्या बड़ा होगा? बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं क्या हार्स पावर बड़ा है? नहीं, यहां कंफ्यूजन दूर कर लो, किलोवाट ही जवाब देना है अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मिलीवोल्ट बड़ा है या किलोवोल्ट? तो यहां आपका जवाब होगा किलोवोल्ट बड़ा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, इसमें आएगा कंडेंसर और कैपेसिटर में क्या अंतर है? कंडेंसर और कैपेसिटर में क्या अंतर है? तो यहां बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, जैसा कि आप पढ़ भी चुके होंगे और आपको मालूम होना चाहिए कि यह दोनों एक ही डिवाइस का नाम है। क्या जवाब होगा आपका? दोनों एक ही डिवाइस का नाम है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर यह एक स्टैटिक डिवाइस है जिसमें दो धातु की प्लेटें एक डाई इलेक्ट्रिक से इंसुलेटेड होती हैं। क्या जवाब होगा आपका? यह एक स्टैटिक डिवाइस है जिसमें दो धातु की प्लेटें एक डाई इलेक्ट्रिक से इंसुलेटेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक? डाई इलेक्ट्रिक क्या है? वह इंसुलेशन जो कैपेसिटर की दो प्लेटों के बीच में प्रयोग किया जाता है डाई इलेक्ट्रिक कहलाता है। राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर किस प्रकार से एनर्जी को स्टोर करता है? ठीक है, कैपेसिटर किस प्रकार से एनर्जी को स्टोर करता है? जवाब होगा, जब कैपेसिटर को सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो एक विद्युत क्षेत्र कैपेसिटर के अंदर पैदा हो जाता है और यह चार्ज को ले लेता है, इट मीन्स स्टोर कर लेता है, तथा आवश्यकता पड़ने पर चार्ज को वापस दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलेशन की डाई इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इंसुलेशन की डाई इलेक्ट्रिक पावर क्या है? तो जवाब आपका होगा, जब इंसुलेशन बगैर ब्रेकडाउन के जितना अधिकतम किलोवोल्ट
प्रति मिलीमीटर सहन कर लेता है वह उसकी डाई इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटी किस यूनिट की या इकाई, कैपेसिटी किस यूनिट में या इकाई में मापी जाती है? तो आपका जवाब होगा फैरेड में, जिसकी छोटी इकाई माइक्रो फैरेड और उससे भी छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई पीको फैरेड होती है। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। पढ़ाई सब करते हैं, सबने पॉलिटेक्निक पास किया है, सबने बीटेक पास किया है, सबने आईटीआई पास किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जा कर के जब क्वेश्चन आंसर का दौर चलता है तो हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाता है, जिसके वजह से हम इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो ये आपको इंटरव्यू पास करने में काफ़ी आपकी हेल्प करेगा, काफ़ी आपकी मदद करेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी बैटरी की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है? किसी बैटरी की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है? तो आपका जवाब होगा कि टेम्परेचर, डिस्चार्ज होने की दर, इलेक्ट्रोलाइट पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन होगा, किसी बैटरी का प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल दोनों में से महंगा कौन सा होता है? तो आपका जवाब होगा सेकेंडरी सेल महंगा होता है। क्या जवाब होगा? सेकेंडरी सेल महंगा होता है। गुड, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्या एक सेल का आंतरिक रेजिस्टेंस बदला जा सकता है? तो आपका जवाब होगा जी हाँ, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को बदला जा सकता है। कैसे? इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट बदलकर। क्या करना होगा? इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट बदलकर। इलेक्ट्रो और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बारे में चलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग क्या है? क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स पूछा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु को बनाने में, धातु को शुद्ध करने में, मेडिसिन और रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में, प्रोडक्शन में। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बारी आती है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? किसी रासायनिक घोल में से विद्युत गुजरने पर यदि घोल अपने अपद्रव्यों में अपघटित हो जाता है तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। बैटरी का प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में से कौन सा सेल अधिक वोल्टेज देता है? क्वेश्चन होगा आपसे, बैटरी का प्राइमरी और सेकेंडरी में से कौन सा सेल अधिक वोल्टेज देता है? तो आपका जवाब क्या होगा? सेकेंडरी सेल अधिक वोल्टेज देता है। सेकेंडरी सेल क्या करता है? अधिक सेल अधिक वोल्टेज देता है। भूल के भी आपको नहीं बोलना है कि प्राइमरी सेल अधिक सेल देता है, वोल्टेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेड एसिड बैटरी की प्लेटें किस चीज से बनी होती हैं? लेड एसिड बैटरी की प्लेटें किस चीज से बनी होती हैं? तो आपका जवाब होगा कॉस्ट एनिमिनियल लेड एलॉय से बनी होती हैं। अधिक बैटरी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार से जोड़ा जाएगा? इसका जवाब आपको देना है, अधिक बैटरी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए बैटरी को किस प्रकार से जोड़ा जाएगा? तो आपका जवाब होगा सेल को सीरीज में जोड़ा जाएगा। किस में जोड़ा जाएगा? सेल को सीरीज में जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, स्टोरेज बैटरी की EMF किस बात पर निर्भर करती है? ठीक है, स्टोरेज बैटरी की EMF किस बात पर निर्भर करती है? तो आपका जवाब होता है इलेक्ट्रोड के पदार्थ पर। क्या जवाब होता है? इलेक्ट्रोड के पदार्थ पे। डियर कैंडिडेट्स, इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मामूली क्वेश्चंस हैं, जो आपने स्टडी के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान आप 2 साल 3 साल और 4 सालों में पढ़ा है, और ये छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरव्यूअर हमेशा जो क्वेश्चंस पूछता है आपसे, ऐसे क्वेश्चंस को उठाता है जो लगभग सब लोग जानते हैं। अब वो उसका मकसद ही नहीं होता है इंटरव्यू में। देखिए, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसी तरह के क्वेश्चंस होंगे कि आप उस चीज़ को बता पाएँ, आप कंफर्म हैं कि नहीं, आपका जवाब किस तरह के तरीके से आ रहा है, ये बातें उस पर मायने रखती हैं। आपका बातचीत करने का तरीका क्या है, आप किस तरह से जवाब दे रहे हैं, आपका
आप उससे पता चल जाएगा कि आपका कार्य करने का तरीका क्या होगा, आप किस तरीके से कार्य करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर जो हिंदी में हमने देखा, आपने जो मुझे मेल किया हुआ था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए उन क्वेश्चंस के बारे में एक वीडियो दीजिए, एक डिस्कस और हमें बताइए, जो अक्सर सामान्यतः सब इंटरव्यू में पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। तो ये मैंने कोशिश किया कि आपको ये सारी चीज़ों को बता पाऊँ, फिर भी आप अपना प्रिपेरेशन करके जाएं और उम्मीद है कि आप जॉब इंटरव्यू में डेफिनेटली सफल होंगे। मेरा गुड लक और आप मेरी विशेस, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।